तो हम ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, जिनके साथ 24 घंटे में 2 से 3 बार बातें हो जाती हैं। देखिए, जिंदगी में ना लोग बहुत सारे हैं, लेकिन अक्सर आपने सुना होगा कि एनर्जी जो होती है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कोई आपको कैसा महसूस कराता है। कुछ ऐसे लोग जिनके साथ आप बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं, जिन्हें आप अच्छी टीम कह सकते हैं, कुछ ऐसे लोग जिनके पास ना आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, आप तंग होने लगते हैं, आपको लगता है कि इससे पीछा छोड़ो, है ना। पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, लोग एनर्जीज से भरे होते हैं, और ये एनर्जीज और कुछ नहीं, लोगों का खुद के साथ का जो रिश्ता होता है ना, ये वही होती है कि वो खुद अपने आप के साथ कैसा महसूस करते हैं, अकेले होते हैं तब कैसे होते हैं, उनके ख्याल कैसे हैं, उनकी नीति कैसी है, वो कैसा सोचते हैं। हर इंसान अपने साथ अपनी एनर्जी लेकर चलता है, और इसीलिए कुछ लोग इतने खूबसूरत होते हैं कि तंगदिल से माहौल में भी आपको बहुत ही शांत, बहुत ही अच्छा महसूस करा देते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो मुसीबत का घर होते हैं, क्योंकि वो खुद से ही परेशान होते हैं, और जहां जाते हैं वहां पर बस तकलीफें ही तकलीफें। तो ये ना एनर्जीज का जो किस्सा है, ये ख्यालों से कैसा महसूस करते हैं, इन सभी चीजों से जुड़ा है। मुद्दे की बात बस ये कि ऐसे लोगों को चुनना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जो आपके मन को शांत रखे। और एक छोटी सी टिप दूं, वो लोग जिनके आसपास आपका हाथ आपके फोन पर ना जाए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का दिल ना करे, बस उनके साथ वक्त बिताना, उन्हें सुनना, ये लोग ना बेस्ट होते हैं। इनकी एनर्जीज सबसे ज्यादा पॉजिटिव और अच्छी है आपके लिए।